बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की जान पर बनाई है। जी हां, दबंग खान को मिल रही है जान से मारने की धमकियां। वैसे तो ये पहली बार नहीं है जब सलमान खान के दुश्मनों ने उन्हें वार्न किया हो, लेकिन सलमान भी हमेशा खुद को प्रिपेयर रखते हैं ऐसी किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए। लेकिन इस बार जो वार्निंग सलमान को मिली है उसे अंजाम देने की तैयारियां लंबे वक्त से चल रही हैं। सलमान को जान से मारने का ये प्लान काफी पुराना है और एक गैंग इसे अंजाम देने की कोशिश में है। इससे पहले कि इस बिग अपडेट के बारे में हम आपको डिटेल में बताएं, हमारे चैनल माई लव फॉर बॉलीवुड को फॉलो कर लीजिए ताकि एंटरटेनमेंट से जुड़ी एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। आपने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम तो सुना ही होगा, याद आया? आई एम श्योर आपके दिमाग में सबसे पहले सिद्धू मूसेवाला का नाम स्ट्राइक किया होगा कि ये तो वही गैंगस्टर है जिसने सिद्धू मूसेवाला का मर्डर करवाया था। यस, द सेम गाय, वही लॉरेंस बिश्नोई जिसने सिद्धू मूसेवाला को मरवाया था। इस बार इस गैंगस्टर ने सलमान खान को फिर से धमकी दी है। रिसेंटली लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से ही एक चैनल को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में लॉरेंस ने बहुत से खुलासे किए। उसका कहना था कि सलमान खान ने हमारे बिश्नोई समाज को काफी नाराज किया है। हमारे समाज में पेड़ पौधे और जानवरों की बहुत वैल्यू है, लेकिन सलमान ने हद पार करके सबको गुस्सा कर दिया है, इसलिए उन्हें बीकानेर में हमारे समाज के मंदिर में जाकर सबसे माफी मांगनी होगी। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई का ये इशारा सलमान खान के हिरन वाले केस की तरफ था। 1998 में हम साथ साथ हैं की शूटिंग चल रही थी और तब सलमान खान ने एक नहीं बल्कि तीन बार हिरन का शिकार किया था। पहले दो केसेस में तो छोटी मोटी सजा पाकर सलमान खान को बरी कर दिया गया, लेकिन तीसरा शिकार सलमान ने जोधपुर में काले हिरन का शिकार करके किया था, जिसके लिए उन्हें कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद से जोधपुर के लोग सलमान खान से काफी नाराज हो गए थे, इस बात पर काफी भड़के थे लोग कि सलमान खान भला ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसी सिलसिले में लॉरेंस बिश्नोई अपनी दुश्मनी निभाते नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अगर सलमान हमारे बिश्नोई समाज से मंदिर आकर माफी मांग लेते हैं तो हमारा उनसे कोई मतलब नहीं होगा, हम उनसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो अंजाम उन्हें खुद भुगतना पड़ेगा। इससे पहले 2022 में सलमान खान के पिता सलीम खान को भी एक चिट्ठी मिली थी। पार्क में वॉक करते हुए ये एक अनजान शख्स सलीम खान के पास चिट्ठी छोड़कर गया जिसमें सलमान की जान लेने की बात थी। तब बिना किसी देरी के सलमान खान ने तुरंत इस पर एक्शन लिया और पुलिस कंप्लेन भी दर्ज करवाई। खैर, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपके पास इसका कोई सलूशन है? क्या करेंगे सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई और उनकी गैंग से बचने के लिए? क्योंकि सिद्धू मूसेवाला केस के बाद लॉरेंस बिश्नोई को हल्के में लेना बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। अपनी व्यूज कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। फॉर मोर बॉलीवुड अपडेट्स प्लीज फॉलो माई लव फॉर बॉलीवुड।